तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। इस पर बहुत जल्द अभी इस नियोजन नीति को लेकर लगभग 7 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन भरा था। राजभवन के अंदर राज्यपाल महामहिम के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल का शिष्टमंडल यहाँ आकर के मिला। नीचे करो भाई, नीचे करो। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, आजसू वगैरह वगैरह सभी जितने सारे लेफ्ट पार्टी यहाँ आए, और आने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि विगत दिन आपने सुना कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य के नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, और ये नियोजन नीति पहली बार रद्द हुई है ऐसी बात नहीं है। पूर्व में कई बार नियोजन नीति उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है, और बड़ा दुर्भाग है यहाँ के नौजवानों का, जहाँ आज ये थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में भी रोजगार पाने में असफल हो रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक में जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया था उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन हमें इस बात की अंदेशा था कि पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ भी रहे थे। कुछ ऐसी शक्तियां हैं इस राज्य में जो एन केन प्रकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस उच्च न्यायालय में जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लगभग 10 लोगों ने इसका शिकायतकर्ता बने, 20 लोग, और 20 लोगों में एक को छोड़कर बाकी सभी 19 लोग दूसरे राज्यों से वाकिफ रखते थे। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, झारखंड का नियोजन नीति से दूसरे राज्य के नौजवानों के और दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है, और उसमें हम लोगों का ये भी निवेदन था, और ये भी हम लोगों ने उस विधेयक में वर्णित किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से ये षड्यंत्र होते हैं जो लोगों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जो जो अधिकार है उसको मिल पाए, आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया, ताकि हम केंद्र सरकार के पास भी जा कर के इसको जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल कर इस राज्य को संरक्षित और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य संरक्षित करने का काम हो सके। इसलिए आज इस संदर्भ में हम लोग यहाँ इनके पास ये आवेदन निवेदन करने के लिए पहुँचे थे। सर, आर्टिकल 17 का उल्लंघन करने की बात कही गई है, आर्टिकल 17 का उल्लंघन करने की बात कही गई है, नियोजन नीति को जो निरस्त किया गया है, तो आप लोग क्या ऐसी बातें कहीं कोई ऐसी नई बात नहीं है। हम लोगों ने कोई आर्टिकल का ये नहीं किया, और भी राज्यों में
व्यवस्थाएं ऐसी है जहां थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के लिए लोग वहां के बच्चों को सीधे तौर पर प्राप्त होता है। ये सिर्फ यहां पर कुछ ऐसी गिरोह सक्रिय हैं जो नहीं चाहते हैं यहां के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, लेकिन अभी ये यहीं पर चीज़ें रुकेंगी नहीं। और हम आश्वस्त करना चाहेंगे आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से राज्य के नौजवानों को, हमारा प्रयास है कि आपको आपका अधिकार मिले और जो नियुक्तियां हैं नियुक्तियों को लेकर के यथाशक्ति कोई अल्टरनेटिव रास्ता हम लोग निकालने का तैयारी करेंगे। और अभी इस नियोजन नीति को लेकर लगभग 7 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन भरा था, आज वो बच्चे काफ़ी निराश और मायूस हैं और हमें इनकी चिंता है और निश्चित रूप से उनके प्रति पूरा सदन और हम सरकार गंभीर है। और इनके लिए क्या हम वैकल्पिक तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, इस पर बहुत जल्द हम लोग निर्णय लें।